निभाया ऐसा साथ पिया जी, हमारे सपनों को दी परवाज पिया जी। थारो भारो मिलने सो लागे रे साथी जैसो दियार बाती, हो दियार बाती हम। साल की उम्र में की गई उस एक गलती को मैं आज अपनी इमेज कैसे तबाह करने दे सकता था। साजन सावने बीत जाए। एक बार वो मुझे आकर कह दे कि बाकी कोई रिश्ता ना है तुझसे। उससे मैं सिर्फ ये कहलवाना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ नहीं आना चाहता। मजबूरी में इसे लेकर तो जा रहा हूँ, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये खुद मुझे छोड़कर यहाँ चित्तौड़गढ़ वापस लौट आएगी। फिर संभव होगा एक और पुनर्विवाह? करवा दीजिए मेरा पुनर्विवाह, खत्म कर दीजिए खोखली बुनियाद पर टिके इस अधूरे रिश्ते को। आजाद करती हूं मैं आपको इस बंधन से दिव्या के लिए। क्या मुमकिन है एक पति के लिए अपनी पत्नी का पुनर्विवाह करवाकर जिंदगी में आगे बढ़ पाना? पुनर्विवाह ये भी मेरा रास्ता होगा और एक दिन ये महल भी। खुश है आराध्या क्योंकि उसके घर आ रहा है एहसास। लेकिन क्या आराध्या पहचान पाएगी असली एहसास को? सदियों से किसी न किसी सास ने बहुओं पर जुल्म किया है और अब 2012 में आ रही है सासों की सास इमरती देवी। बहू हम जो तबीयत ठीक ना है तो बस आज बैठक का पंखा साफ कर देना, रसोई के जूठे बर्तन धो देना और जो कपड़ों पर ना इस्त्री फेर देना बेटा, आराम से बेटा। इमरती देवी ने बनकर सास लिखा तानाशाही का एक नया इतिहास। कैरी रिश्ता खट्टा मीठा। नन्ही गलियां भूल
जब बच्चे कमाई का जरिया बन जाए तो खर्च हो जाता है बचपन। देवी भैरवी करेगी लेंगे हर अन्याय का बदला, हर एक खून के कतरे का हिसाब। तेरा सर्वनाश होगा बद्री नारायण। अपमान नहीं, अब होगा संग्राम। देवी भैरवी लेगी अब हर जुल्म का इंतकाम। सजन घर जाना है।